अज की एक अहम खबर के नाल जो कि हर देशवासी लिए बहुत जरूरी है क्योंकि एलईसी ते तनाव वाला माहौल लगातार बरकरार है। फौजी सूत्रा मुताबक भारत ते चीन विचाले अज मुड़ तो मीटिंग होगी, सवेरे करीब 10 बजे तो मुड़ शुरू हो जा रही है मीटिंग। सूत्रा के हवाले तो यह जानकारी है, चुशुल विच ब्रिगेड कमांडर पद्धर की गलबात होगी। चीन एलईसी ते लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, भारतीय फौज चीन की हर हरकत का माकूल जवाब दे रही है। हालांकि एक बार मुड़ तो हुण मीटिंग के जरिए शांति कायम करने लैके गलबात होने के आसार ने, सूत्रा के हवाले तो यह जानकारी है। पर यह भी दर्शकों के नाल जानकारी साझा करती है कि भारतीय फौज वालों लगातार चीन नूं माकूल जवाब दिता जा रहा है, मुंह तोड़वा जवाब दिता जा रहा है। तो यह भी इल्जाम चीन से लगाया जा रहा है कि जो मीटिंग दे विच पहला कई बार मीटिंग हो चुकी है तो यह सहमति बनी सी दोहां देशां विचाले कि शांति सरहद ते कायम रखी जाएगी, पर उसकी उलंघना चीन वालों की जा रही है। पर भारतीय फौज वालों भी मुंह तोड़वा जवाब चाइना नूं दिता जा रहा है। फौजी सूत्रा मुताबक भारत ते चीन विचाले अज एक बार मुड़ तो मीटिंग होगी, सवेरे करीब 10 बजे तो यह मीटिंग मुड़ शुरू होने के आसार ने। सूत्रा के हवाले तो यह खबर है, चुशुल विच ब्रिगेड कमांडर पद्धर की गलबात होगी। हरप्रीत बंदेशा मेरे सहयोगी फोन लाइन से बन गए ने। तो हरप्रीत, पिछले तीन दिनों तो लगातार तीन बार घुसपैठ की गई चीन वालों, हालांकि भारतीय फौज वालों मुंह तोड़वा जवाब दिता जा रहा है। तो एक बार मुड़ तो हुने कोशिश की जाएगी कि गलबात के जरिए दोहां देशों विचाले सरहद से शांति कायम करने लैके कोई सिकटा निकले। जी बिल्कुल, जिस तरीके भारत चीन के लद्दाख के जो हालात ने काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। दोवे देशों फौजा ने महज कुछ 100 मीटर की दूरी से तैनात ने। हिंदुस्तानी फौज की फायरिंग रेंज के मनिया जा रहा है कि चीनी जोड़े सैनिक ने, जो खबर मिल रही है वो है ने। हिंदुस्तान ने चुशूल जोड़ा इलाका है वो काफी सामरिक तौर पर काफी इंपॉर्टेंट इलाका हैगा, तो उसके जोड़े उच्चे इलाके ने उन्होंने अपने स्थिति जी काफी मजबूत भी कर ली है। इसके अलावा जब गर्क गल करिए कि हिंदुस्तान से जरा ईस्टर्न लद्दाख है, जिन्होंने लद्दाख स्टैंड ऑफ किया जाता है, चुशूल के हिंदुस्तानी चाइनीज सैनिक जोड़े आमने सामने हुए। एलएसी से हालात जोड़े ने काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस लैके मनिया जा रहा है कि जी एक बैठक है होएगी, जिसे कि हिंदुस्तान वालों 14 कॉर्प्स के जोड़े कमांडर ने लैफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, तो उन्होंने चाइना वालों जोड़े मेजर जनरल लियू लिन, उन्होंने नाम दसया जा रहा है, वो इस बैठक के चुशूल के इस मीटिंग करे। लेकिन हालात जोड़े ने फौजी स्तर से पहला भी गल हो चुकी है, ब्रिगेड कमांड की पहला भी मीटिंग हो चुकी है, लेकिन सैन्य स्तर से जेकर गल करिए तो उससे फिलहाल हल निकलता होया नजर नहीं आ रहा। हालात काफी ज्यादा तनावपूर्ण बने हुए हैं। उधरों अमरीका भी लगातार बयानबाजियां कर रहा है कि जेकर कोई माहौल बिगड़ेगा तो भारत का साथ देगा, लेकिन जिस तरीके से आज माहौल बने हुए हैं उन्होंने माहौलों के जंग सोल्यूशन नहीं हो सकता। मनिया जा रहा है कि कूटनीतिक पद्धर से यदा हल कढ़ने की कोशिश की जा रही है। दूसरे पास देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जोड़े ने वो जा रहे हैं रशिया एसओसी की बैठक च हिस्सा लैन वास्ते। एसओसी की बैठक के मनिया जा रहा है कि जिथे रशिया के डिफेंस मिनिस्टर होंगे उसे चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर भी इस मीटिंग के हिस्सा ले सकते हैं। मनिया जा रहा है कि यह बैठक का जोड़ा दौर होगा, हालांकि यह कहा जा रहा है कि इतने रक्षा खरीद के समझौतों से कुछ गल्ला हो गई ने। इस अलावा जी एक एक्सरसाइज की जानी है कुछ मुल्कों के विचाले मिलिट्री एक्सरसाइज, उसनों लैके गलबात की जाएगी। लेकिन जो जाहिर तौर पर जो दोवों मुल्कों के डिफेंस मिनिस्टर कितने मिलते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग मनी जाती है। तो इन हालातों के जेकर राजनाथ सिंह की मुलाकात रक्षा मंत्री चीन के नाल हो जाती है रशिया के, वो काफी अहम होएगा। लेकिन अज 10 बजे के करीब दसया जा रहा है कि थोड़ी थोड़ी देर ची एक जी बैठक है वो शुरू होएगी ब्रिगेड कमांड लेवल की, जिस कि इस मसले को सुलझाने की कोशिश की जाएगी कि मामला सुलझाया जाए। लेकिन स्वाति, जिवें असीं पहलां भी देख चुके थी जो कुछ गलवान च होया उस तो बाद दो दिन पहलां ही जिस तरीके ना चाइना ने फिर घुसपैठ करने की कोशिश की, उसे ठोकवा जवाब उन्होंने मिला। हालांकि झड़प नहीं हुई लेकिन हिंदुस्तानी सैनिकों ने अपनी आमद दर्ज करा के उन्होंने उतों पिछे धकेल दिता। दूसरे पास चुशूल के कई इलाकों के भी दसया जा रहा है कि जेडे उपकरण लगाए गए सन जसूसरी वास्ते चाइना वालों, उन्होंने भी हिंदुस्तानी फौज ने उतों पट दिता है। तो कि ना कि जी एक थ्योरी हुण चल रही है कि चाइना
एक पासे दुनिया के उत्ते करोना फैलाने का आरोप है, दूसरे पासे चाइना हुण इस तरीके की हरकत कर रहा है कि एक पासे पिछे हटदा है ते दूसरे बिल्कुल हरप्रीत पर भारत पहला ही स्पष्ट कर चुका है कि जे कोई कार्रवाई चाइना वालों की जाएगी तो जवाबी कार्रवाई भारत वालों भी की जाएगी, मुंह तोड़वा जवाब दिता जाएगा। पर एक बार मुड़ तो फिलहाल कोशिश यही है कि गलबात के जरिए कोई सिट्टा निकले तो दोहां देशों विचाले शांति कायम करने लैके कोई गलबात सिरे चढ़े। तुसी खबर से नजर बना के रखो। धन्यवाद तमाम गलबात लिए।